अब बात करते हैं सीहोर की, जहां नसरुल्ला गंज नगर निकाय चुनाव के वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश माहेश्वरी को पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई कि तुम अगर बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ोगे तो ठीक नहीं होगा। वहीं सुबह कॉलोनी के महेंद्र विश्वकर्मा द्वारा पार्षद के घर के सामने पहुंचकर गंदी गंदी गालियों का प्रयोग किया गया और धमकी दी गई। बीजेपी प्रत्याशी के सामने अगर चुनाव लड़े तो जान से मार दूंगा। जिसको लेकर नगर परिषद वार्ड 13 के निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश महेश्वरी ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर उक्त व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सुरेश माहेश्वरी ने कहा कि एक व्यक्ति की न जाने क्या मुझसे दुश्मनी है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर धमकी व गंदी गंदी गालियां लिख रहा है। सुबह हमारे घर के सामने आकर गाली गलौज कर धक्का मुक्की की, जिस पर इनके द्वारा नसरुल्लागंज थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई है। विराट 24 के नसरुल्लागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। आपका नाम बताइए। सुरेश माहेश्वरी। कहाँ के निवासी है? शास्त्री कॉलोनी वार्ड क्रमांक 13 नसरुल्लागंज। अभी आप थाने में आए थे FIR करवाने, क्या वजह रही इसके? मैं अपने वार्ड से वार्ड क्रमांक 13 से पार्षद का निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे घर पे करीबन 11 बजे महेंद्र विश्वकर्मा आए और गाली गुप्ता देके मुझसे कहने लगे कि तू चुनाव नहीं लड़ेगा और मुझे धक्का मुक्की भी करी। इस संबंध में मैंने TI मैडम के सम्मुख FIR दर्ज करवाई है और मेरा उनसे निवेदन है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति है जिसने गाली गलौज करी, क्या मतलब दूसरे प्रत्याशी हैं क्या? उसी वार्ड के दूसरे प्रत्याशी हैं? वो वहीं पे वार्ड पे रहते हैं और कोई प्रत्याशी नहीं है, ना कोई किसी पार्टी के हैं। क्या कारण रहा फिर इसमें? कारण अब क्या मालूम, हो सकता है उनको कोई पर्सनल दुश्मनी हो मुझसे या फिर मेरे चुनाव लड़ने से। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे भी कुछ लिखा उन्होंने आपके खिलाफ? हाँ, हमारे समाज के खिलाफ, दर्जी समाज के खिलाफ लिखा उन्होंने कि दर्जी एक डेरी है, दर्जी नकली दूध बिकवा रहा है।